नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, आज हम एक अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले, जो भारत के सबसे मोस्ट वेनमस पांच सांप है भारत देश के, उनके काटने के सिम्टम और उसकी पहचान के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों बापीदा स्नेक एक्सपर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सर्च करके उसका जो फोटो है चैनल का मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, और दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों आने वाले इसी तरह सांपों की जानकारी वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। और चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोबरा सांप के बारे में। तो बापीदा जी मुझे बताइए, कोबरा सांप को हम किस तरह पहचाने? देखिए, कोबरा तो हमारे भारत में तीन प्रकार है, एक किंग कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा और मोनोकोर कोबरा, उसको मोनोसिलेटेड नाम की भी जानते हैं। तो तीनों कोबरा का पहचान ही है। किंग कोबरा जो है ये बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, और ये किंग कोबरा का फन जो होता है लंबा होता है, फैला हुआ राउंड में शेप में होता है, लंबा होता है इसका किंग कोबरा। और बॉडी में ब्लैक में आपका येलो कलर का स्पॉट धारदार होता है किंग कोबरा। और किंग कोबरा उसका जो सर है बहुत बड़ा होता है, आईबोल भी बड़ा होता है और राउंड आईबोल होता है जी उसका। और किंग कोबरा का ये है कि ये एक बार बाइट करता है बहुत ज़्यादा जहर छोड़ता है, और इसका बाइट करने भारत में बहुत कम इसका संख्या मिलता है बाइट करने का, और लेकिन ये बाइट करने के बाद ये इंसान बचना मुश्किल हो जाता है अगर तुरंत आपको इलाज हो, क्योंकि ये एक बार में जब बाइट करता है एक बार में बहुत 50 मिलीग्राम से भी ज़्यादा जहर छोड़ता है दोस्तों, बहुत कम, जो जहाँ करे एक मिलीग्राम छोड़ता है जहर, वहाँ ये 50 मिलीग्राम। तो इसीलिए ये सांप से जल्दी मौत होता है जी। हाँ, उसके बाद स्पेक्टिकल कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा का बैक साइड में पीछे में इसका स्पेक्टिकल मतलब चश्मा के आकार का दो गोल राउंड रहता है, लेकिन इसका मेनली साइंटिफिक नाम जो नाजा हम लोग जानते हैं इसको स्पेक्टिकल, इसलिए चश्मा को ही स्पेक्टिकल कहते हैं, स्पेक्टिकल आकार में रहता है जी। और इसका हुड जो होता है ये जब आप इसका सामने आते हैं ये आपका पूरा फैल जो फन फैला के खड़ा हो जाता है, और पूरा आक्रामक मुद्रा में खड़ा हो जाता है, पूरा अपना बॉडी का जो हुड है पूरा खोल लेता है और डराने का कोशिश करता है। इसका भी न्यूरोटॉक्सिन होता है, और ये जब बाइट करता है तो इसमें भी जो है ये अगर इलाज ना हो बहुत इलाज हम इसका बात बताएंगे आपको कि ये सांप काटने के बाद सिम्टम क्या होता है। पहले हम पांच सांप को पहचानने हम बताते हैं। तो ये हमने जान लिया कि इसकी पहचान कैसे है, अब हम जानेंगे कोबरा यानी न्यूरोटॉक्सिक के सिम्टम, काटने के सिम्टम क्या होता है। दोस्तों कोबरा अगर कबाइट कर ले, सबसे पहला इसका सिम्टम है जिस स्थान में काटे उस स्थान का जो स्किन है त्वचा इसका कलर चेंज हो जाता है, रेडिश हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ये सूजन होने लगेगा। सूजन होते होते बाद में आपको जोड़े में दर्द होगा, हर जोड़े में दर्द होने लगेगा, उसके बाद जो आपको वोमिटिंग उल्टी होने लगेगा, उल्टिया होगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे शरीर में कमजोरी छाने लगेगा, आपको एकदम लगेगा शरीर में ताकत नहीं, कमजोरी छाने लगेगा, शरीर में पसीना होने लगेगा, और उसके साथ साथ आपको जो है पेट में हल्का फुल्का दर्द होता है, लेकिन करेज में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें, बाद में जब उल्टी होती है उसमें दर्द होता है। और हाँ, और ये इस कोबरा में आपको लास्ट में आपको ये गर्दन जो है ये टूट जाएगा, अब कितना भी कोशिश करें उठाने का नहीं उठेगा, टूट जाएगा वो ये गर्दन। उसके बाद जो आपका माथा सर और गर्दन में बहुत ज़्यादा पसीना होगा, उसके बाद गले में घड़घड़ी कब जमने लगेगा, उसके बाद अगर इलाज ना हो दोस्तों तो लास्ट पोजिशन ये है गर्दन में ये सांस रुकना, और उसके बाद जो आपके गले में घड़घड़ी होना, आपको जो कब जम जाना ये लास्ट अंतिम समय है दोस्तों, उसके बाद मरीज जो है दम तोड़ देता है जी। अभी जान लिया हमने कोबरा की पहचान के बारे में और उसके सिम्टम के बारे में काटने के बाद, अभी जान लेंगे हम कॉमन क्रेड, अक्सर ये कॉमन क्रेड रात में ही निकलता है, ये तो भयानक सांप माना जाता है भारत देश का, तो इसके बारे में हम इसके पहले तो पहचान के बारे में बात करेंगे, फिर इसके सिम्टम के बारे में। दोस्तों हम जो बात करें इसके स्क्रीन पर आपको फोटो भी दिया जाएगा ताकि आप बड़ी आसानी से इस सांप को पहचान सके। बताइए ये कॉमन क्रेड, देखिए हमारा भारत में तीन क्रेड है, हम लोग कॉमन क्रेड, पार्सन क्रेड और बैंडेड क्रेड। तो ज़्यादातर ये कॉमन करेज जो इसका काटने का हम लोग सुनते हैं, ज़्यादातर इसी समय में ये पाया जाता है, और ये उमस भरी गर्मी में जो है ये इंसान का शरीर बिस्तर में ज़्यादातर जिस रूम में शयन रूम होता है जहाँ सोते हैं उस जगह घुस जाता है,
और ज्यादातर ये मिडनाइट में मध्य रात्रि में ये बाइट करता है। और इसको पहचानने का जो है, ये ब्लैक कलर होगा, पतला मुंह होगा, शरीर में गर्दन से कम एक आधा फीट छोड़ के इसका लाइनिंग शुरू होता है, डबल व्हाइट लाइनिंग क्रॉस होता है, डबल व्हाइट लाइनिंग क्रॉस होता है और ब्लैक में, और ये बहुत शर्मिला होता है दोस्तों, ये शर्मिला होगा। देखिए आप अगर इसको जाते हैं डंडा से ये, तो अपना बॉडी को सिकुड़ लेता है, आप मुंह को उस बॉडी के अंदर में छुपा लेता है, शर्मिला सांप होता है ये, जल्दी बाइट नहीं करता, लेकिन जाने अनजाने में आपको हाथ पर पड़ता तो बाइट करता है ये। जी अब इसका अब इसके सिम्टम ये सांप जो है आपको रात को बाइट करता है, और टीथ इसका बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है, और जब बाइट करता है, बाइट करने के बाद जो है आप एक तो निद्रा में रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है, और बाइट करने के बाद आपको कुछ देर का बाद दो तीन घंटा, कभी कभी दो तीन घंटा, कभी चार घंटा असर होता है, आपका पेट में ऐंठन होगा, लगेगा कोई मचोड़ रहा पेट को, ऐंठ रहा पेट में ऐंठन होगा, उसका साथ साथ आपका शरीर में जलन होगा, लगेगा कोई मिर्चा पीस के, हरा मिर्चा पीस के आपका शरीर में खून को डाल दिया, ये दर्द होगा। उसके साथ साथ आपको जो है उल्टी भी आने लगता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको नींद आने लगता है, और उसके बाद मरीज जो है ये एक दिन का आठ दस घंटा बाद कोमा में चल जाता है, सात आठ घंटा बाद फुल्ली कोमा में चल जाता है, आँख आधा खुली रहता है, और ये शरीर जो है पूरे बॉडी में काम नहीं करता है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, ये नर्व सिस्टम को पूरी अटैक करता है, नर्व सिस्टम को पूरी तरह ये आघात करता है दोस्तों, और इससे इंसान का इलाज ना हो तो मृत्यु हो सकता है दोस्तों। जी सही बात है, और हम जान लेंगे, अभी तो जान लिया कॉमन क्रेट के बारे में और उसके सिम्टम के बारे में, अगला हम सांप स्क्रीन पर दिखाएंगे रसल वाइपर स्नेक। हाँ। दोस्तों इसकी पहचान भी हम बताएंगे और इसकी सिम्टम भी हम बताएंगे, काफी खतरनाक सांप माना जाता है, किसान लोग इसको दोस्त समझने की दोस्त तो समझते ही नहीं, दुश्मन मान लेते, क्योंकि ज्यादातर किसान लोगों के काटता है, क्यों काटता है और उसके बारे में बताए, जानकारी के बारे में बताए दोस्तों। ये रसल वाइपर जो है ये ज्यादातर खेत में रहता है, लेकिन बहुत आदमी सोचता है, हम लोग जानते हैं सभी कि सांप ठंडा में नहीं निकलता है, सब सांप, लेकिन ये रसल वाइपर ऐसा सांप है, ये बारह महीना निकलता है, ज्यादातर तो दिसंबर के महीने में ये निकलता है, रात भर कहीं भी दिन में ये रहना पसंद नहीं करता है, और दो मॉर्निंग में जब सूरज उगता है उस समय झाड़ी में, खेतों में, ऊपर में घास का ऊपर में आराम से पड़ा रहता है, और जो धूप का जो गर्मी है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको लेता है, और उस समय में जाने अनजाने में जो खेत में काम करते हैं उसका पैर हाथ पड़ता है, उससे उनको बाइट कर लेता है, और इसको पहचान यह है कि शरीर जो है भूरा कलर का होता है, भूरा कलर का ऊपर में काला स्पॉट, एट चेन होता है, आठ का चेन होता है बना हुआ पीठ का ऊपर, और गोल साइड में गोल राउंड राउंड होता है स्पॉट, और बीच में भूरा और साइड में पतला व्हाइट लाइनिंग होता है जी, और इसका मुंह जो है बड़ा होता है आपका भी कलर शेप में होता है, और ये इसका टीथ बहुत बड़ा होता है दोस्तों, ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो रसल वाइपर है ये जल्दी बाइट नहीं करता, बहुत धीरे सुस्ते चलता है, लेकिन इसको घातक क्यों मनाता है कि ये बाइट करने के बाद बहुत तीव्र पीड़ा होता है जी, वो तीव्र पीड़ा होता है, पीड़ा होने का साथ साथ ये जो है आपका शरीर में इतना जल्दी विकसित करता है, शरीर फूलने लगता है, अगर इस स्थान में काटे तो सिर्फ इस स्थान को नहीं, कोबरा में आप काटे तो इस स्थान को आपका यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर रसल वाइपर में काटे ये करेगा आपका पूरा यहाँ तक कर देगा जी, ये पूरा अब पूरा सूजन हो जाएगा, शरीर पेन होगा आपका, ये जो है ब्लड को जो सेल है जो रेड ब्लड सेल है इसके पूरी तरह ये आहत करता है, उसको डैमेज करता है, ब्लड को जो है क्लॉट कर देता है, थक्का बना देता है, उसके बाद इंसान को जो है सांस रुकना लगता है, उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर कम बसी होने लगता है थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद नाक से भी पेशाब आता है, जी फटने लगता है, कान से भी आने लगता है, ये आँख आई बार पूरा रेडिस हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है, उसके बाद अगर इलाज ना हो बहुत दर्दना, ये सांप इसलिए कहता है जिस स्थान में काटे फफोले उड़ता है, उसके बाद फट फट के ब्लड भी निकलता है, उसके बाद घाव होने लगता है, गलने लगता है जी। और ये अगर नेक्रोसिस हो जाए तीन से छह महीना तक भी इलाज करने समय लग जाता है दोस्तों, किसी किसी का तो हाथ पैर काटना भी पड़ सकता है अगर लेट कर दे तो जी जी। अभी हम बात किया कोबरा के बारे में, कॉमन क्रेट के बारे में, रसल वाइपर के बारे में, अभी हम बात करेंगे स्वास्थ्य वाइपर के बारे में, तो बताइए हमें कि सॉस के वाइपर किस तरह दिखता है और उसके सिम्टम क्या होते हैं। सॉस के वाइपर दोस्तों छोटा होता है और रसल वाइपर से बहुत छोटा होता है, और छोटा होने का कारण ये बॉडी में इसका जिगजैग पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न होता है, और ये ऐसा है कि मिट्टी का साथ कहीं अगर खरपतवार भी पड़ा हुआ वहाँ आपको पता नहीं चला तो उसका साथ मैच कर जाता है सॉस के वाइपर, और बहुत छोटा होता है और रसल वाइपर से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। भारत में हम लोग दो सांप कहते हैं जो काटने के लिए ही पैदा हुआ,
एक सॉस किल व्यापार, एक है इंडियन सीक्रेट किल वे। यह आदमी को अगर देख भी लेता दूर में भी तो भी आकर बैठ कर लेता, चलिए सॉस किल व्यापार आपका सीक्रेट किल वे तो जहरीला नहीं है, लेकिन सॉस किल व्यापार जहरीला है, लेकिन रसल व्यापार जितना नहीं होता है, लेकिन सॉस किल व्यापार में भी फॉल्स बाइट होता है। कम से कम इसमें फॉल्स बाइट 20% फॉल्स बाइट होता है, 20-22% फॉल्स बाइट होता है। और ये कभी सेम सिम्टम होता है जो रसल व्यापार में हम बोले जोड़ों में दर्द होगा, आपको पेट में आपको शरीर वोमिटिंग होगा, उसके बाद शरीर में जो फुफोले हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, उसके बाद आपको सांस रुकने लगेगा, आपको शरीर से ब्लड जहाँ काटे वहाँ पर रिसने लगेगा, उसके बाद जो दोस्तों इलाज ना हो तो आपका मौत हो जाएगा। सॉस के लेवल पर, सॉस के लेवल पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ये जाम करके बाइट करता है जी। अभी तो हम जान लिया भारत की मोस्ट चार अभिनव में सांप के बारे में, अभी जान लेंगे हम किंग कोबरा के बारे में। ये भारत में ही मिलता है लेकिन पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, जैसे केरल, कर्नाटक, वेस्टर्न उड़ीसा में भी नहीं, उड़ीसा का बॉर्डर में मिलता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा और बंगाल का बॉर्डर में जगह मिला फिर पाया, और कुछ दिन पहले बंगाल में नहीं पाया था, लेकिन कुछ दिन पहले बंगाल में भी पाया गया। ये हो सकता है बंगाल का जो बॉर्डर बांग्लादेश से सुंदरबन है, सुंदरबन साइड से जो नदी आया है, नदी से बह के आया होगा, ये कलकत्ता के कॉलेज कैंपस में पाया गया दोस्तों। तो इसके बारे में हम जान लेंगे कि किस तरह दिखता है और उसकी सिम्टम क्या है। किंग कोबरा हम ये जैसे कि आकाश जी बोल रहे हैं, आपका डिस्प्ले में नीचे आपको दिखाया जाएगा, और ये लंबा सेब होता है, बहुत बड़ा होता है, और ये किंग कोबरा जो है बहुत एग्रेसिव होता है। इसका कम से कम इसका लंबाई फीट 16 फीट मैक्सिमम, ये 16 फीट तक बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। और लेकिन इसका पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह में है, और अलग अलग किसी कहीं पर जैसे थाईलैंड में ये येलो कलर में होता है थोड़ा सा, हम क्योंकि वहाँ का पानी क्लाइमेट दूसरा है, हमारा केरल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए वहाँ पर ब्लैक में ही आपका वाइट येलो हल्का आपका क्रीम कलर का स्पॉट लाइनिंग होता है। ये इसके सिम्टम सेम है जो कोबरा को काटता है, हुई सेम सिम्टम है, लेकिन इसमें जो है आपको इतना ज़्यादा वोमिटिंग होने लगता है, इतना ज़्यादा वोमिटिंग होता है कि आप इसको तुरंत दम तोड़ देता है दोस्तों। ये जो कोबरा का ही सिम्टम है इसमें, इसमें शरीर आदमी तो समय नहीं मिल पाता है क्योंकि इतना ज़्यादा जहर छोड़ता है, कोबरा का से 10-20 गुना जहर छोड़ता है। अभी तो हमने दोस्तों जान लिया कि भारत देश के ऐसे 5 मोस्ट वेनमस स्नेक है जिसके कारण लोगों की मौत होती है। किंग कोबरा दोस्तों तो मैंने सुना है कम होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि वो बस्तियों में आना ही नहीं चाहता। तो ये जो शुरुआती में हमने 4 सांप बताए, जैसे कि कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर और सॉस किल वाइपर, ये सभी से ज्यादा सबसे ज्यादा लोगों को काट लेते हैं क्योंकि ये हमारे घर के आसपास आते हैं। 5 सांप के बारे में हमने आपको बताया है दोस्तों। ये वीडियो काफी लंबा हो गया इसलिए हमने सांपों के काटने के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ बापी द स्नेक एक्सपर्ट इनका भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे दोनों के चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।